अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे कीमा नान। तो सबसे पहले कीमा वाला नान बनाने के लिए हम उसकी डो बना लेंगे। तो डो बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 कप मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लोर है, 1/4 कप मेरे पास नीम गर्म दूध यानी ल्यूक वार्म मिल्क है, 2 टेबल स्पून जो है वो मेरे पास योगर्ट है, 1 मेरे पास एग है और 1 टेबल स्पून ऑयल है। योगर्ट और एग जो है इनका रूम टेम्परेचर पे होना ज़रूरी है, फ़ौरन फ्रिज से निकाल के इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इसके अंदर हम तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून चीनी, 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून जो है वो यीस्ट, इंस्टेंट यीस्ट जो है वो इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। 2 कप यहाँ पे मैंने पानी लिया है, लेकिन हम जितना इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बता दूंगी। और इसके अलावा हमने सेसमी सीड्स यानी तिल लिए हैं, ये भी हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो अब सबसे पहले हम ऑल पर्पज़ फ्लोर लेंगे और इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं सारी इनको हम मिक्स कर लेंगे, जिसमें ड्राई मिल्क पाउडर है, सॉल्ट, इंस्टेंट यीस्ट और चीनी। इनको हम डाल के अच्छी तरह एक दफ़ा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर ऑयल 1 टेबल स्पून एड डाल देंगे। बल्कि एग डाल के इसको पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर जो हमारे पास योगर्ट है वो 2 टेबल स्पून योगर्ट वो हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो मिल्क है आप चाहें तो इसको पानी के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, चाहें तो ऐसे ही यूज करें, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। मिल्क जो है वो सारा हमने ऐड कर दिया है। अब इसको यहाँ पे मैं एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करती हूँ, फिर देखती हूँ कि अगर पानी की ज़रूरत हुई तो हम इसमें ऐड करेंगे, अगर पानी की ज़रूरत नहीं हुई तो नहीं करेंगे। यहाँ पर डो जो है वो हमने बना ली है। पानी बस मैंने 2 टेबल स्पून इसमें इस्तेमाल हुआ है, पानी भी गर्म ही था क्योंकि हमने योगर्ट और अंदर मिल्क इस्तेमाल किया था, तो इस वजह से पानी कम यूज़ हुआ है। तो अब हम इसको क्लिंग टैप से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी भी कपड़े के साथ मेक श्योर करेंगे ये अच्छी तरह से कवर हो। अब हम तकरीबन इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देंगे, किसी गर्म जगह पे आप इसको रख दें ताकि अच्छी तरह से जो डो है वो राइस करे। तो जब ये राइस करेगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ, तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद। नान की डो बना के उसको हमने राइस होने के लिए रख दिया है। तो अब इतनी देर में हम अपने कीमा तैयार करते हैं। कीमा बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1 पाउंड मेरे पास कीमा है, ग्रीन कोरिएंडर, 2 ग्रीन चिलीज़ हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून जो है वो गार्लिक का पेस्ट है और 1 टेबल स्पून जो है वो जिंजर यानी अदरक का है। इसके अलावा जो स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1/2 टीस्पून जो है वो कुटी हुई सुरख मिर्ची है, 1 टेबल स्पून भुना कुटा धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर है, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून यानी क्यूमिन सीड्स, और 1/2 टीस्पून जो है वो गरम मसाला इसमें जाएगा, 1/4 टीस्पून चाट का मसाला और 1/4 टीस्पून चिली पाउडर जाएगा। तो अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टोव ऑन करके मैंने पॉट
पॉट जो है वो रख दिया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जस्ट मैंने 1 टीस्पून ऑयल डाला है। ऑयल हम इसके अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो नान के अंदर अच्छा नहीं लगेगा, वो बाहर निकलता रहता है। और इसके अलावा इस कीमे को आप पराठों के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है अगर हम पराठों के अंदर भी यूज़ करेंगे तो हमें ऑयल जो है वो कम से कम इसके अंदर रखना है, तो इसलिए मैंने सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल जो है उसमें यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे तकरीबन मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दूँगी, ताकि जो कीमा है उसका मॉइस्चर रिलीज हो, हीट जो है वो हमारी मीडियम हाई पे। यहाँ पर हमने कीमे को 1 मिनट के लिए कवर किया है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो है मॉइस्चर रिलीज हुआ है इसका। तो अब हम क्या करेंगे कि हम कीमे के अंदर जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ी सी देर हम इसको कीमे के साथ फ्राई करेंगे, जो तक अगर थोड़ी बहुत स्मेल जिस तरह होती है एक मिंस की, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद हम अपने स्पाइसेस जो हैं वो इसके अंदर ऐड कर दें। हीट जो है वो हमारी मीडियम हाई पे है। यहाँ पर कीमे को हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ। तो अब हम इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1/4 टीस्पून चिली पाउडर, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, कुटी हुई सुरख मिर्ची, कोरिएंडर, रोस्टेड क्यूमिन सीड्स भी रोस्टेड हैं, गरम मसाला, चाट मसाला। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। भुना कुटक जीरा और धनिया जब इसके अंदर गया तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे मेरे कीमे के अंदर अच्छा खासा जो है मॉइस्चर है, इसलिए मैं इसके अंदर पानी जो है वो फिलहाल नहीं ऐड कर रही। आपको अगर इस स्टेज पे लगे कि इसका पानी बिल्कुल ड्राई है, कोई मॉइस्चर नहीं है इसके अंदर, तो आप 2 से 3 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे करूँगी कवर। कवर करके हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे। हीट को मैंने मीडियम लो पे कर दिया। यहाँ 5 से 6 मिनट हमने मीडियम लो हीट पे कीमे को पकाया है। तो अब इसके अंदर जो मॉइस्चर था वो तकरीबन ख़त्म हो गया है। इस स्टेज पे आप चेक कर लें कि आपको कीमा मिलाने के लिए कितना पानी चाहिए, तो उस हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट 2 टेबल स्पून इसमें पानी के ऐड कर दूँ। एक और मैं मज़ीद करूँगी, 4 टेबल स्पून यानी 1/4 कप जो है पानी का वो मैंने इसमें ऐड किया है। दोबारा हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट पकाएंगे। यहाँ पर हमने कीमे को 6 से 7 मिनट कवर करके पकाया है। तो अब इसका जो बिल्कुल ये ड्राई हो चुका है, यानी मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इस पर इस स्टेज पर हम इसके अंदर 2 ग्रीन चिली और ग्रीन कोरिएंडर इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक स्मॉल साइज की जो प्याज थी उसको मैंने काट के यूं पेपर टॉवल के अंदर रख दिया था, ताकि उसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कम्प्लीटली वो ड्राई हो जाए। तो वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह इसको।
और प्याज को आपने ऑमलेट की तरह, जिसके तरह हम ऑमलेट के लिए काटते हैं, चॉप करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको चॉप करना है। बस तकरीबन एक मिनट के लिए और हम इसको यहाँ पे कुक करेंगे। प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना, थोड़ा सा कच्चा कच्चा उसका जो टेस्ट होता है, कच्चा वो उसका मज़े से लगता है। पराठे में अगर आप यूज़ कर रहे हैं या नान में, तो इस कीमे को आप पराठे के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नान के लिए भी। हम इसके साथ नान बनाएंगे और बाद में फिर मैं आपको पराठा भी बना के दिखाऊँगी। प्याज ऐड करने के बाद जस्ट वन मिनट के लिए हमने इसको कुक किया। अब यहाँ पर हम स्टोव को करेंगे बंद और इसको हम क्या करेंगे कि एक डिश के अंदर निकाल लेंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीमा को हमने डिश आउट कर लिया ताकि ये ठंडा हो जाए। अब मैं इसको थोड़ी देर बाहर रखूँगी और थोड़ी देर के बाद फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और फिर हम फिलिंग करें। यहाँ पर डोक रखे हुए हमें 2 घंटे हो गए, तो मैंने इसको ओवन गरम करके उसके अंदर रख दिया था। आप किसी भी तरह, यानी इसको गरम चाहे तो किसी गरम कपड़े में लपेट के रख दें। तो अब आप देख सकते हैं कि डो जो है वो अच्छी तरह से राइज हो चुकी है, मेरी राइज हो चुकी है, ये देखिए। तो अब हम इसको निकालेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैदा जो है उसको डस्ट कर लेती हूँ। इतना कि इसकी थोड़ी सी जो हवा होती है इसमें वो निकाल देंगे। यहाँ पे डो जो है उसको हमने सेट कर लिया है, तो अब इसको हम काट लेंगे। तो इस तरह से हम इसके 4 पेड़े बनाएंगे, यानी 4 नान हमारे बन सकते हैं। ये तो टेस्ट करेंगे। चाहे तो आप बेल लें, चाहे तो हाथ से करें। अब बस इतना ही फिलहाल हम इसको बेलेंगे। तो अब इसके अंदर हम जो है वो कीमा की फिलिंग करेंगे। जितना आपको पसंद है उतना आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से करके आप इसको, जिस तरह से हम कचौरी को करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बाल देते जाएं यूं करके। और इस तरह से करके इसको बंद। अब हम इसको बेल लेंगे। यहाँ पे हम अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा पहले इसको हाथ से कर लेंगे हम, जितना आप कर सकते हैं उतना आप हाथ से कर लें इसको। अब हम थोड़ा सा इसको बेलने से बेलेंगे।
तो अब इस तरह हम इसको किनारा इसका कर लेंगे उंगली से सेट। यहाँ पे हम इसके किनारे इस तरह से उंगली के साथ सेट कर लेंगे। और उसके बाद जो हम निशान डालते हैं उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो किसी स्क्वायर से आप इस तरह से कर लें इसको। अब यहाँ पे हम ब्रश से इसके ऊपर दूध लगाएंगे पहले, और फिर इसके ऊपर हम सेसमी सीड जो मैंने आपको स्टार्ट में भी दिखाए थे वो छिड़क देंगे। और जब हमारा नान तैयार होगा तो उस वक्त हम इसके ऊपर बटर से इसको ब्रश करेंगे, किनारों के ऊपर भी अच्छी तरह से हम ब्रश करेंगे दूध का। और अब इस तरह से आप जो सेसमी सीड हैं जितने भी आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर छिड़क सकते हैं। अब ये देख सकते हैं आपके मैंने ट्रे में, बेकिंग ट्रे में अल्मोनियम फॉइल लगा दी है। ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया 350 पे। अगर आपका फॉरन हाइट में है तो आप 350 पे करें, और अगर सेल्सियस है तो फिर आप उसको 180 पे करें। तो अब ओवन जो है वो हमारा प्री हीटेड है, इसको हम उठाएंगे नान को और अल्मोनियम फॉइल के अंदर रख देंगे। तो आराम से हम इस तरह से इसको उठा के, और अब हम इसको ओवन में रखेंगे। नान जो है वो हमारी तैयार हो चुके हैं, मैं इसको चटनी के साथ सर्व करूँगी। तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें कि आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।